मेरे दास पद बंद राम दास अर्जन गुरु भर श्री हरि गोविंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवीं गोविंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद ज्यों बुलावे तो भूले स्वामी कुदरत कमल हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी ज्ञान ज्ञान किस कर में न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कद राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कद राखी मेरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आप सब संगता भाई भाई वट भागे हो धनता की युग जो कि इस वक्त जुगुटगी अटल नदी के सुभावान चर तखत मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पवित्र मूल में बैठ करके सतगुरों की पवित्र गुरबाणी का आनंद मानते हुए अपने जीवन दड़िया सब्जियां बना रहे हो वड्या भागा वाले हो आओ गुरु चरणा में बैठ के सतगुरों के पवित्र इतिहास सरवण करके लाहे लैके धनता के योग बनीए। कल आपने सरवण किया कि कृष्ण जी अर्जुन और भीम तीनों जने जरासंध राजे की महला में एक सैड तो होके कंध टप के ब्राह्मणा का भेस धार के गए है कि जरासंध को मारने वास्ते। हम दूसरे पासे जरासंध भी बड़ा सियाणा है हर पक्ष को जाणू है इतिहासकार दर्शाता कि किसने देखिया तो देख करके समझ गया कि ये आदमी खतरनाक ने जो इन्होंने ब्राह्मणा वाला भेस बनाना किया ये बनावटी है ये असल ब्राह्मण नहीं है। ये सारा कुछ विचार करके जरासंध जी अपने सिंघासन तो उठ के इन्हों के पास आए तो इन्हों को पुछ गिछ करते हैं। आओ इस तो अगे इतिहास को श्रवण करिए। वाहिगुरु जी चक्र बनायो एक मंत्र हुन कर बोष्ट सतरो बेग सिर दे हर इस बिल को लख कै घन श्याम तजो प्रवेश द्वार अबराम। कि जिस रस्ते सब आते जरासंध के पास इतिहासकार दर्शाता है कि उस रस्ते एक घंटिया की माला सी अपनी सुरक्षा वास्ते अपने पहरेदारी वास्ते अपने आपदा बचाव करने वास्ते एक घंटिया की माला जिहड़ी वो रस्ते लगाना की है जिहड़ी ये माला से गुरु प्यार वाले कहते कि जरासंध के वैरियां को पछाण करके ये खड़क पैंदी है इहदे विचों आवाज आउंदा करती है इहदा कह लो कि दुश्मन को पछाण के ये घंटिया की माला जिहड़ी आवाज देना करती सी कि राजे को खबर दे दिंदी सी
कि इस वक्त तुहानू खतरा है, तुहाडा दुश्मन तुहाडे महलां दे अंदर प्रवेश कर गया। कि जदों हुण राजा इस घंटी की आवाज़ सुनता उस वक्त ही अपने सैनिक भेज करके उस आए हुए मनुख को पकड़ करके ते मौत के घाट उतार दिता। जिस मनुख से यह घंटी बजती ना गुरु प्यार वाले इतिहास का कुछ सौदा कि राजा सिंह इनू पछाण करके इहदे उत्ते अपने सैनिक भेज के इनू मौत के मूँह में पवाड़ा करता है। मंत्रां दे बल दे नाल एक ऐसा इसने चक्र बनाया होया सी कि जिहड़ा वैरी नूं समझ करके उहदा नाश कर दिंदा है, कि वैरी नूं पछाण करके उहदी मौत कर दिंदा है। राजे जरासंध दी इह विधि समझ करके ना ते कृष्ण जी ने इस द्वार नूं इस रस्ते नूं छड़ना कीता है। इदां कह लो कि कृष्ण जी महाराज जरासंध राजे की इस व्योमबंदी को समझ गए कि राजे जरासंध ने अपने रस्ते विच अपने सुरक्षा वास्ते आ कुछ लगाया हुआ है कि जदों वो आवाज़ दिंदे हैं तो अपने सैनिकां राही उहदी मौत करवा दिंदे। हुण कृष्ण जी ने अर्जन ते भीम दे नाल विचार करके ना जुगती वरतना चाहते सी कि जरासंध के महलों के अंदर प्रवेश भी करना चाहते हैं, ये पास जाकर के मौत के घाट उतारना चाहते हैं। हुण विचार करना की है, होए पछताव कोट चढ़ गए अर्जन भीम संग द्वै नए भूल तहां ते अंदर भरे भूपत निकट जाए पे करें। कि किले के पिछले पास्यों ना इन्हां ने द्वार के उपर की चढ़ता किया, किले के पिछले पास्यों कृष्ण जी महाराज अर्जन ते भीम जी को साथ में लैके ते इहदे किले के बगले द्वार तो अंदर प्रवेश कर गए है। अर्जन ते भीम भी कृष्ण जी के साथ पिछे अंदर वाले पासे छाला लगा चुके और अंदर छाला लगा करके इहदे महलां विच चले गए। भूपत निकट जाए भेख खरे, भूपत का मतलब होंदा राजा, कि कृष्ण अर्जन ते भीम तीनों जने अंदर प्रवेश करके ते राजे दे पास जाके खलो गए है। जिथे कि बैठा होया सी ना राजा जरासंध, जिहड़ा कि बड़ा बलवान योधा सी, कि किसी पासों की जित्या नहीं सी जांदा, बड़े सारे राजिआं नूं इहने अपने अधीन कर लिया ते कैद विच पाए हुए सी। ते कृष्ण जी दी इही इहदे नाल गलबात सी कि जिहड़े राजे पकड़ना कीते है उहनां नूं आजाद कर दे, आजाद कर दे, पर इह करदा नहीं सी। ये हट किया होया सी कि कृष्ण जी इन्हां दोहां नूं साथ विच लैके जरासंध दे महलां दे अंदर प्रवेश करके चले गए। जिथे हुण राजा जरासंध बैठा होया है उहदे लागे जा करके खलोणा कीता है। इस दिन जरासंध मैं बाद देखत पा अब शगन बसाद, बैठो दान करत धन भारी जाचक खरे समीप नहारे। इतिहासकार दर्शाउंदा है कि जिस दिन इन्हां ने प्रवेश किया उस दिन ही सुपने के विच राजा जरासंध ने बड़े अपशगन देखना कीते है। जिथे सुपने विच इन्हें देखिया उत्थे सामने तो भी इहदे राज महलां दे विच बड़े सारे अपशगन होणा कीते, माड़ियां हरकतां होनिया कीतियां, बैठ के हुण इन्हां अपशगनां तों डरदा होया ना कि राजा जरासंध दान करी जा रहा सी, दान करी जा रहा सी। ते मगधी जी ने वो लागे खलो करके राजा जरासंध दे पासों दान लै रहे सी। सारे दान लैण वास्ते मगधी लागे खलोते हुए है। जिवें जिवें पता लग्या ना मगधियां नूं कि अज राजा जरासंध जी बड़ा सारा दान दे रहा है,
ਤੇ ਸਭ ਬੜੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੀਮ ਅਰਜਨ ਕੀ ਓਰ ਮਹਿ ਪਾ ਲਗੇ ਅਵਲੋਕੋ ਘੋਰ ਦਰਸ਼ ਅਪੂਰਵ ਕਿਰਤੀ ਆਈ ਇਹ ਛਤਰੀ ਤਿਜ ਵੇਗ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਰਾਸੰਧ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜਨ ਤੇ ਭੀਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਏ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਅਸ਼ਚਰਜ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਘੰਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਖੜਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਰਾਸੰਧ ਕਿਤਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਨੁੱਖ ਘਾਸ ਨ ਸਭ ਕੇ ਹਾਥ ਕਿਆ ਏ ਕਰੇ ਕਪਟ ਕੇ ਸਾਥ ਉੱਠੋ ਭੂਪ ਦਿਨ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਬੁੱਧ ਬੰਦੇ ਸਭ ਜਾਣਤ ਭਇਓ ਕਿ ਧਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘਾਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਪਟੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠੋ ਭੂਪਤ ਦਿਨ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏਓ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਛਲੀਏ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੇਸ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਤਿੰਨੋ ਸੋ ਕੋ ਤੁਮੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵਿਪਰਤਨ ਸਾਚੀ ਕਹੋ ਸੀਤੇ ਮਗਮੈ ਅੰਦਰ ਆਏ ਓਟ ਕੂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਛਵਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੇਗ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ,
जिन्हां दे विच किसी तरह का कोई बल शल नहीं, वो फिर सामने वाले रस्ते तो औड़ा करते हैं। दोहरा सूदी मगजी आमती घंटा शब्द करंत, चक्र भयानक छिणक मैं धरते श्री उतरंत। कृष्ण जी कहन लगे जरा साहब जी, तुहानू की निशानी, तुहानू की पता, किदा पता लग गया? ते राजा जरा संत कहिंदा, भाई जे तुसी सिद्धे रस्ते आउंदे ना, सूदे मग जे आपते दा मतलब कि जे तुसी सिद्धे रस्ते आउंदे ना, जिहड़ा असल रस्ता है, जे तुसी उहदे राही आउंदे घंटा शब्द करंत, ते जो असी घंटा लगाया होया है उन्हें बड़ी भयानक आवाज करनी सी, उन्हें खड़क पैना सी, उन्हें आवाज देना करनी सी, चक्र भयानक छिणक मैं धरते सिर उतरंत। ये भयानक चक्र छिण विच छड करके तुहाडा सिर जिहड़ा सी उह धरते नालों अलग कीता जांदा, तुसी फिर बच नहीं सी सकदे, तुसी बच नहीं सी सकदे, ते ना ही मेरे लागे आके तुसी खड़े हो सकदे सी। इस वास्ते जो साड़ी सुरक्षा की हुई है, परपक्ता की हुई है, उस पासे तो तुसी आउणा नहीं कीता, वाकई तुसी कोई शरीए जे ते शल करन वास्ते आए हो कि सच दसना करो तुसी कौन जे। चौ भई सुन कण श्याम बखानू किसे, चतुर पुरख चै कह त्रिभुज से, सूते मग सो आपत नाही, अपनो काज करन को चाही। ये जदों राजा जरासंध ने यह कुछ कहा ना, तो कृष्ण जी महाराज सुन करके कहन लगे कि भाई चतुर पुरख जिसनों चाहन दुश्मन समझ के ते फर सकते हैं, जे वह चाहन ना सियाने पुरख तो उन्हों पकड़ सकते हैं अपनी मर्जी अनुसार, सीधे राह वो नहीं आते क्योंकि वो फिर अपना कार्य करना चाहते। सीधे जे उदाहरण ले लो कि कृष्ण जी ने यह कह दिता कि जे तुसी अपनी सुरक्षा वास्ते इंतजाम किए हुए हैं, तो जिन्होंने छल करना वो भी अपनी कोई ना कोई व्योतबंदी करके ते अपना कार्य करना चाहते हैं कि असी अपना कर्जा कार्य करने वास्ते पूरा फिर व्योतबंदी करके ते इस जगह पर आना किता है। कहो जरा संत भागो बच तबै, बैर करो हम सो तुम कहबै, मैं तो कैसो करो न द्वैष, तुम किन जानो कहो अशेष। जदों कृष्ण जी ने कुछ कहा ना, तो जरा संत राजा सुन करके कहन लगा बे तुसी कल तो साडे नाल वैर विरोध कीता, कदों तो तुसी साडे वैरी बन गए, क्योंकि मैं ते कदा चित भी किसी दे नाल ईरखा करता ही नहीं, मैं किसी दे नाल माड़ा वर्ताव करता नहीं, ईरखा नहीं करता, निंदा नहीं करता। मैं तो कैसो कहो ना द्वैष, कि हाँ तुसी किस तरह जानते हो कि इहदे बारे विच दसना करो। जरा संत कहन लगा कि वैर का कारण की है, क्यों वैरी बने हो, क्योंकि मेरे विच ते कोई गुनाह नहीं, मैं कदाचित किसी नाल ईरखा कीती नहीं, द्वैत कीती नहीं, ना किसी का माड़ा सोचना कीता। इस वास्ते तुसी दसो कि असल कहानी की है, किदा ते क्यों तुसी मेरे वैरी बनना कीता है। कहो कृष्ण ने बैर न कहू, बेस हंसरे अड़ सत नरनाम, कहो ये बाल कैद मैं डारे, बख मैं जात है नमारे। ते जदों राजे जरासंध ने पूछया, ते कृष्ण जी हुण अगो दसदे है ये जिहड़ी कथा ना गुरु प्यार वालिओ, धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज बाबा कृपाल चंद जी नूं सुना रहे हैं। किन्हां दे मामा सन? ये
धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के बाबा जी है जो कि सदा ही साथ में रहते हैं। आप रूपियां सिख संगत धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का पवित्र इतिहास श्रवण कर रहे थे ना, तो चलते चलते सतगुरु जी महाराज पटने शहर विखे प्रवेश कर गए। हुण जदों इत्थे विराजे होए हैं तो कृपाल चंद जी ने इत्थों दी सोहनी दिख नू देख के इत्थों दे वसिंदियां दी सोहनी दिख देख के धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज नू पुछना कीता कि सतगुरु जी तुसीं जानी जाणजे सारा दे हिरदे दी जानण वाले ने जो पिछे बीत चुकिया है जा कुछ हो रहा जा अगे होण वाला सब नू जानते जे ते दसो इत्थों दा राजा कौन सी ते किद्दां दी उहदी वर्ताव सी। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज फिर कृपाल चंद जी ने पुछण ते इह इतिहास दर्शारे सी इत्थों दा पटने शहर दा। ते चलदिया चलदिया कहानी उहदे इत्थे चली गई। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कृपाल चंद जी नूं इह सुना रहे सी कि कृष्ण जी ने फिर अगों राजा जरासंध नूं इह जवाब दिता कि राजा असीं किसी नाल वैर नहीं करते पर तुसां ने फिर 20,800 राजे क्यों कैद विच पाए हुए हैं। कृष्ण जी पुछदे कहते कि जरासंध जी तुसीं इह गल कहते हो कि असीं कदाचित किसी नाल वैर नहीं करते ना किसी का माड़ा सोचते हैं तो ये जिहड़े 20,800 राजे तुसां ने पकड़ के कैद विच पाए हुए है इन्हां नूं क्यों कैद विच बंध के पाणा कीता है ते क्यों इन्हां विचारियां नूं तुसीं मारना चाहते हो क्योंकि तुहाडे मन दे विच इही गल है कि हौली हौली करके इन्हां सारियां नूं मौत दे घाट उतार देंगे। ते हाले तुसीं कहते हो कि असीं किसी का बुरा नहीं तकते माड़ा नहीं तकते इहदा की कारण है। कृष्ण जी महाराज राजा जरासंध नूं पुछदे है कहते पर यह क्यों तुसीं कीता है इहदा की कारण है। इस ते परे बैर क्या होए किते नरिंद विनाशै कोए सगल जगत के रसिया कारण मैं मनुख तन कीन सधारण। कि भई राजा साहब इस तों परे होर वैर किहड़ा हुंदा है ये तू बिना होर वैर किहड़ा हुंदा यही वैर है जिहड़ा कि तू कुमारे है कि उन्हां नूं कैद विच पाणा कीता है ते तेरे मन दी ये गल है कि हौली हौली इन्हां सारे राजां नूं मौत दे घाट उतार दिता जाएगा। कि इन्ने राजां नूं कोई क्यों मारदे वे कि सारे जगत की रक्षा करन वास्ते। फिर राजा जरासंध जी सानू ये मनुखा शरीर धारण करके तो संसार चाहना पिया। हुण कृष्ण जी महाराज ने सारी कहानी जरासंध नूं दस दित्ती कि असीं कृष्ण जी आ ते सानू इसे वास्ते मनुखा शरीर धारण करके इस संसार ते आउणा कीता सारे संसार की रक्षा करन वास्ते क्योंकि तेरे वर्गे जुलमी राजे जिहड़े कि दूसरिआं उत्ते जुलम कर रहे हैं ते हाने कहते हैं कि असी पाप नहीं करते वैर नहीं करते क्योंकि गुरु प्यार वालिओ जदों जदों इस संसार के अत्याचार वध्या ना ते फिर परमेश्वर को अवतार धार के आना ही पिया। जदों अद्धा धुंद इस संसार से हो रहा सी ना कोई किसी की सुन वाला नहीं सी राजे इतने कसाई हो चुके से कि अपनी प्रजा नूं खाई जा रहे सी ते उस वक्त धरती ने जाके रब अगे पुकार कीती ते धरती की पुकार सुन के ना फिर खुद अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने मनुखा जन्म पहन करके संसार ते आउणा कीता। आप नारायण कला धार जग मह परवरियो खुद अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जापा पहन करके ना राय भोए की तलवंडी विखे अवतार धारे हुए है। ते भाई गुरदास जी कहते ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छिपे अंधेर पलोवा
जिवें सूरज चढ़ता ना तारे भी छिप जाते हैं ते अंधेरा भी दूर चलिया जाता है, हर पासे प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जो प्रकाश होया फिर इदा कि संसार के उत्ते प्रकाश ही प्रकाश तपते हुए हिरदिया ठंडा ठार किया, जुलमिया पापिया नत्थ पा के गरीबा की रक्षा की है। कृष्ण जी महाराज कह लगे जरासंध जी ये सब कुछ देख करके मेरे सानू मनुखा शरीर धार के इस संसार से आना पिया है। मन में चित वो बड़े अपराध कौन शलाका कर है साध, जाति तुए हतन के हित विप्रवेश आयन केत। के तुसा ने मन के बड़ा अपराध चितवे राजा जरासंध जी, तुहाडे हिरदे दे विच वड्डा अपराध है, तुसी वड्डे अपराधी जी, किहड़ा भला पुरश इस तुहाडे कार्ज की शलाघा करेगा। माड़े बंदे की कदा चित भी कोई शोभा नहीं करता राजा जरासंध जी, माड़े बंदे की कोई भी शोभा कर तैयार नहीं, सब उन्हू लानता पाना करते हैं। इस वास्ते राजा जरासंध जी तुसा ने जितना वड्डा अपराध अपने हिरदे दे विच जितना किया कोई भी भला पुरश है तुहाडी शलाघा नहीं करेगा, इस करके तैनू असी मारन वास्ते विपर वेश ते आए नकेत। कि तैनू मारन वास्ते ना राजा जरासंध जी सानू हुण ब्राह्मणा का भेस धारण करके ते तेरे पास आना पिया, क्योंकि तू इतना बलवान योधा कि किसी नूं लागे लगन नहीं दिंदा, ते असीं फिर जुगती धार के तेरे महलां दे विच प्रवेश कीता। असल कहानी यह है कि तेरा ये अपराध देख के असीं तेनूं मारन वास्ते आए हां, तेनूं मार करके ते फिर पांडवां दा जग जिहड़ा संपूर्ण होना करेगा। नाहित नाहित सब राजन को शूर चलिए संग दुष्टन ओर, पर उपाय निज प्राण बचावो दीन होए अब राज कमावो। ते कृष्ण जी कह लगे जे तुसीं बचना चाहते हो तो इदा करो कि ना सारे राजन रिहा कर दो अपनी कैद में, जितने भी तुसा ने राजे पकड़ के कैद में पाना किए हैं जिन्हों मारना चाहते हो जरासंध जी उन्हें सारे राजिया छड़ देवो, तो साढ़े नाल रजिस्टर के पास जाना करो, उसने चरनी पै करके ते तुसी अपने प्राण बचा लवो, तो फिर आनंद के नाल अपना राज करो। कृष्ण जी महाराज कह लगे जरासंध जी जे तुसी अपने प्राण बचाना चाहते हो ना फिर तुसी इन राजियां नूं छड्डो, इन्हां दी बंद खलासी करो, क्यों पकड़ना कीते है, क्यों जेल विच पाना कीता है, क्यों उन्हां नूं अत दा दुख देना कीता है, ते अगे तुसी अपराध सोची बैठे हो कि हौली हौली इन्हां नूं मौत दे घाट उतार देवांगे। इस वास्ते जरासंध जी असीं तुहानूं मारन वास्ते आए हैं, जे बचना है तो इन्हां नूं छड्डना पवेगा। नायत होए है युद्ध हमारा जीते गए तुझे तारे अखारा, किदो हमें तुम जीतन करिए पीछे मन भाव के अनुसरीए। कि जे तुसी नहीं ना छड्डोगे राजा जरासंध जी फिर असी तेरे नाल युद्ध करांगे, खाली नहीं मुड़ के जावांगे, असी तेरे नाल युद्ध करांगे, युद्ध होवेगा, ये अखाड़ा बन के तेरे महलां विच हर हालत तेनूं जितना करांगे, हर हालत तेनूं जितना करांगे, ते जां फिर तुसी अपनी बलवानता दिखा के ते सानूं जित लवो, जे तुहाडे विच पावर है शक्ति है ते फिर तुसी सानूं जित लियो, पिछों जो तुहाडे मन दे विच पौंदा होया फिर तुसी अपनी मर्जी करियो।
कृष्ण जी कह लगे राजा जरासंध जी असि तुहानू छड्डांगे नहीं, हुण युद्ध होवेगा अखाड़ा बन के ते असि तैनू जित्तांगे, ते जे तू समर्था रखदा है ते युद्ध करके देख लै, जित के देख लै, जे तू जित गया ते तेरी मर्जी है, तू जो मर्जी करता रहे साडे तों बाद, पर असी तेनू मारन वास्ते आए हाँ, इसे करके ब्राह्मणा का भेस धारण किया है। सुन कै जरा संत रिस धारी गर्भ त्यत मुख गिरा उचारी किति शक्त बण कर पे केरी क्यों निज भेख बणाए कुफेरी। कि जदों कृष्ण जी ने यह कुछ दस दिता ना सारा कुछ सच सच, तो राजा जरा संत सुन के बड़ा गुस्से में आ गया। जरा संत राजा जिहड़ा सी उह गुस्से में आ गया, तो बड़ा वड्डा अपनी शक्ति का घर धारण करके अपने मुख तो कह लगा, अपने मुख तो इन्हें बोलना किया कि युद्ध करते तेरे विच इतनी शक्ति है। कहता भाव कि राजा जरा संत कृष्ण महाराज को आकड़ गया, कहता तू युद्ध की गल करदा है, चंगी तरह अपने हिरदे विच सोच लै कि राजा जरा संत दे नाल तेरे युद्ध करन दी शक्ति है तेरे विच, कि तू साडे नाल युद्ध कर सकेगा ते सानू जित लवेगा। कि हे शर्गे क्यों फिर ब्राह्मणा का भेस धारण करके आना किया, फिर जी इतनी शक्ति सी ते सामने तो आए हाँ साडे नाल युद्ध करन वास्ते, गुस्से में आके ना हंकार धार करके राजा जरा संत ने फिर कृष्ण जी महाराज को इदा कह दिता, कहन लगा कि तेरे विच शक्ति है साडे नाल युद्ध करन दी, चंगी तरह अपने हिरदे विच ख्याल कर लै, सोच लै कि जे तू इतना ही अपने आप को शक्तिवान कहाउंदा फिर सामने तो आना सी, लुक लुक के पिछू दी क्यों आना किया, कहदे वास्ते छल करके मैनू मारन वास्ते आना किया है। जो मैं बांध लिए मैं पाला कैसो करो न कपट कुढ़ाला, जिम तुम्हें आए कपटी होए इम क्षत्रि कर सके न कोए। ते अगे राजा जरा संत कहता कृष्ण जी नूं, कहता कि दूसरी गल जो तुसीं राजा दी गल करदे हो, जिहड़े राजे मैं कैद विच पाणा कीते है, मैं किसे नाल भी कदाचित कोई कपट नहीं किया, जिन्हां नूं भी फड़ के कैद विच पाया ना किसे दे नाल कोई कपट नहीं किया, जिवें तुसीं कपटी हो के आए हो इस तरह कदाचित भी कोई क्षत्रि करता नहीं, ते ना ही इदां दी मर्यादा धारण करता है जिदा कि तुसा ने छल करके ते मेरे महलां विच आउणा कीता है। इस तरह कोई भी क्षत्रि नहीं करता जिहड़ा युद्ध लड़ना चाहुंदा होवे, ते जे तुसीं मैनूं मारना सी ते फिर सामने वाले रस्ते तों आउणा सी, फिर पता चल जांदा कौन जितदा है ते कौन हारदा है। राजा जरा संत हंकार दे बेड़े उत्ते चढ़िया होया, कृष्ण जी महाराज को सीधा हो गया, कहन लगा जी शक्ति सी ते फिर भेस क्यों धारण किया, छल क्यों किया, सीधे रस्ते आना सी। मैं जीते मसकल नरेश युद्ध विखे जय करे अशेष, सुत श्याम कर पुने पखाना क्यों अस कर तू मान बहाना। ते हंकार विच होया कहन लगा, कहन लगा हे शर्गे मैं सारे राजाओं के चित प्राप्त की है। हुण कृष्ण जी महाराज नूं हंकार विच होया ना राजा जरा संत शलिए ही दसदा, कहता हे शलिए ध्यान दे के सुन, बहुत सारे राजाओं नूं मैं अपनी ताकत दे नाल जितना किया है, युद्ध विच विशेष तौर ते हर जगह ते जित प्राप्त की है, कि जो भी हार नहीं खाना की, सदा ही मैं जिता जिता रहा,
हूँ जो घर कोई राजा जरासंध ने की कुछ किया ना तो यदिया गल् सुन करके कृष्ण जी ने फिर कहना किया कह लगे जरासंध जी ठंडे चलो इतना क्यों बार करते हो अपने हिरदे में क्यों हंकार करते हो ये हंकार मनुख न अर्श तो फर्श ती लिया के सुट दिता है क्यों अस कर तो मान बहाना यदा मतलब है कि कृष्ण जी महाराज कह लगे राजा जरासंध इतना हंकार नहीं कर देता हंकार जिहड़ा वो मनुख न लै बैठता है इस वास्ते ठीक है तू जिते हो जिता प्राप्त करता होगा पर इतना हंकार कहता है अज असी तेन जित करके जावे तेन मारन वास्ते आए हैं कदा चित भी छड़ा के नहीं अगर जे तू अपने प्राण बचाना चाहता है ना इन्हों राज छड़ दे ते तेरे प्राणा का दान दे के तेन बख्श दिता जाएगा निरपत बलियत भय अनेक अंतकाल मैं रहो नायक हो तो न बाजे हमरे माहे तुम सरसूर लत किम चाहें कि राजा जरासंध जी होर भी अनेक सूरबीर राजे हुए हैं इस संसार के ढीक तो ढीक राजा ने जन्म लेना किया युद्ध के विच उन्होंने जिता प्राप्त कीतिया पर अंत नू मर करके इस संसार तो चले गए अंतकाल में रहो नाइक कि अंतले समय कोई भी इस संसार से रहता नहीं सब नाश हो जाने वाले है सतगुरु जी महाराज की पवित्र गुरबाणी का प्रमाण है गुरु प्यार वाले जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जितने भी आप संसार से आए हैं ना सारे ने आपको अपनी वारी अनुसार संसार तो चले जाना है इतने किसी ने स्थिर नहीं रहना ये सब कुछ संसार का नाश होने वाला है स्थिर रहना है तो केवल तो केवल सतगुरां के पवित्र नाम ने स्थिर रहना है गुरु प्यार वाले जिन्हें कि अंतरे समय इस मनुख की सहायता करनी है कृष्ण जी महाराज कहन लगे जरासंध क्यों मान करता है तेरे वर्गे बड़े राजे आए उन्होंने जिता प्राप्त कीतिया पर अंदरों मर के इस संसार तो चले गए कोई भी शरीर करके बचिया नहीं कोई भी शरीर करके बचिया नहीं आपको अपनी वारी अनुसार सब ने जाना किया है उतो ना बल जे हमरे माहे कि जे साडे विच बल ना हुंदा ते तुहाडे वर्गा सूरमा साडे नाल किवें लड़ना चाहुंदा कृष्ण जी महाराज कहते कहते जरासंध जी फिर तुहाडे वर्गा सूरमा साडे नाल क्यों लड़ना चाहुंदा इस वास्ते तेनू इह हंकार जिहड़ा ना जरासंध जी त्याग देना चाहीदा है क्योंकि संसार के ढीक तो ढीक सूरमिया ने आना किया है दुष्ट दमन बम नाम सदीवा प्रगट कृष्ण तन मैया मतीवा भीम सैन्यो देखो सूरा दुतियो अर्जन लख बल पूरा ते नाल ही कृष्ण जी कहन लगे राजा साहब कन खोल के सुन लो कि दुष्ट दमन मेरा नाम है दुष्ट दमन मेरा नाम है प्रगट कृष्ण का मैं अवजीवा कि प्रगट रूप में हूँ असा ने कृष्ण जी के रूप में शरीर पाना किया कि हूँ असी कृष्ण जी के रूप में आना किया असल साडा नाम दुष्ट दमन है तो इस वक्त असी कृष्ण जी के रूप में मनुखा जामा पहन के संसार से आए हाँ भीम सैन्यो देखो सूरा ते नाल ही भीम वल हथ करके ना कृष्ण जी महाराज कह लगे राजा जरासंध जी आ देखो तुहाडे सामने भीम सैन सूरमा कुरता होया
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੂਰਮਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਅਰਜਨ ਲਖਬਲ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, ਇਹ ਭੀਮ ਜੀ ਤੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਤੀਨੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਤਾਏ, ਦੋਏ ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਭਾਏ, ਤਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਭੂਪਤ ਸਾਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੇ ਚਲੋ ਅਗਾਰੇ। ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਰਾਸੰਧ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਅਰਜਨ ਜੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਭੀਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੀਵੋ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਭੋਗੋ ਰਾਜ ਅਨੰਦ ਵਸਾਲਾ, ਨਾਹਿਤ ਯੁੱਗ ਕਰੋ ਹਮ ਸਾਥ, ਤ੍ਰੈ ਮੈਂ ਕਸੋ ਹੈ ਨਰਨਾਥ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲੱਦ ਲਇਓ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਭੋਬੇਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਵਾ, ਸਵਾ ਸ਼ੂਰ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾ, ਸੁਤ ਸਹਿ ਦੇਵ ਆਪਣੋ ਦੇਖਾ, ਰਾਜ ਕਲਕੀ ਅਭੀਕ ਵਸੇਖਾ। ਇਹੋ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਤ ਸਹਿਦੇਵ ਆਪਣੋ ਦੇਖਾ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹਿਦੇਵ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਹਿਦੇਵ,
कि इन्हें अपने पुत्र सहदेव वल देखना किया राज तिलक भलेख सेखा कि विधि अनुसार पहले ही इन्हें इस राज तिलक देना किया। इन्हें मन के विचार लिया कि हो सकता है युद्ध में मैं भी बच सकता तो मेरे तो बाद मेरा पुत्र राज भाग से संभाल लवेगा। इन्हें गुस्से में आए ने अपने महलों में प्रवेश कर दिता तो अंदर जा करके अपने पुत्र वाल देख करके सब सुना करके समझा करके इन्हें मर्यादा अनुसार फिर राज तिलक देना किया। राज तिलक दे के फिर बार कृष्ण जी के पास आ गया। फिर बार कृष्ण जी के पास आ गया तो अपनी शक्ति का प्रकाश करके अपनी शक्ति का इजहार करके तो बोलता है कि तुसी तिन्ने मेरे घर में चल के आयो कि तुसी तिन्नों मेरे नाल बल धार के क्रूर धार के ते युद्ध करो। राजा जरासंध कहता कहता नहीं एक नाल नहीं तुसी तिन्ने आयो तिन्ना दे नाल लड़ा के। कृष्ण जी महाराज कहन लगे राजा जरासंध जी ये गल मर्यादा नहीं कहती असी तिन्नों तुहाडे नाल लड़ते ठीक नहीं लगते ये मर्यादा विच नहीं कल्ले नाल कल्ले युद्ध करेगा तुसी बोलो जिहदे नाल करना चाहते हो उन्हें तुहाडे सामने कर दिता जाएगा। पर कृष्ण जी महाराज राजा जरासंध जी नूं सारी अपनी पछाण करके इहनूं हुण कह रहे हैं कि राजा जरासंध हुण अपने मन दे विच कई तरह दीआं गल्लां विचारदा है। सो अज इत्थे समाप्ति कल नूं फिर सतगुरु जी कृपा करनगे इस तों अगे जिवें भी राजा जरासंध इहनां नाल युद्ध करेगा जो कुछ भी बीतेगा ये धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की कृपा होएगी तो कल आप गुरु संगतान शरण करवाया जाएगा। बेनती करा कि जितना भी हो सके मन बिरते एकाग्र करके गुरु चरणा बैठ करके सतगुरां की पवित्र गुरबाणी पवित्र इतिहास सुन करके बन करके हिरदे में वसा के लाहे लैके धनता के योग बनीए। सतगुरु जी समर्थ ने कृपा के दाते हैं साढ़े सिक्ते वीर भरियात रखे साड़ा भी जीवन सवर जाएगा तो असं भी धनता के योग बन जावे। कथा करदियां तो बेहद भुलां पूरिया हो जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शित पिता है उत्थे आप प्रभु वर्गिया गुरु संगतां जुड़ बैठे हो कृपा करो अपने दासां दे सत्ते वीर ते हाथ रखियो ताकि तुश बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा की सेवा करके धनता के योग बन सकी। बहुत बहुत धन्यवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जिन्हों की कृपा सदका तुश बुद्धि अनुसार आप जी के चरणों की इतिहासा की सेवा की है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कृपा कर अपने दासों के सिर पर वीर प्रयास रखा तो दास इसे तरह आप संतों के चरणों की इतिहासा की सेवा करके धनता के योग बनते रहिए। इन बेनती प्रवान कर जी हो भुला की शिमा बुलाओ फते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।